मैंने पिछले दिनों हमारे मयंक विश्नोई एक लेफ्टिनेंट थे, उनका शव मेरठ आया, तो मैं किसी कार्यक्रम में से आ रही थी, तो मैंने ट्रेन की जगह ट्रेन का टिकट कैंसिल करा के फ्लाइट का कराया कि मुझे उनके दर्शन करने हैं। और जब मयंक विश्नोई का शव मेरठ में आया तो मैं उनकी पत्नी को लगातार देख रही थी कि उनके हाव भाव, उनकी भाव भंगिमा कैसी हैं। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप आज कैसा महसूस कर रही हैं, 3 साल मात्र उनके विवाह को हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि ये मेरे से ज़्यादा भारत माता के थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इनका इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में नाम अंकित हो जाएगा कि ये मेरे पति देव जो हैं वो देश पर शहीद हुए। उसने पत्रकार को कहा और फिर वो रो पड़ी। मैंने वहाँ से पंक्तियाँ उठाई कि एक महिला जो उस सैनिक की पत्नी होती है वो उसके माता पिता को भी संभालती है, अपने बच्चों को भी संभाला करती है, और तब भी वो अपने पति को बड़े वीरता से कहती है कि तुम जाओ सीमाओं पर, सरहदों पर जाओ और देश की रक्षा करो, मैं सब कुछ देख लूँगी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। और ऐसी एक कविता मैंने भी लिखी, लेकिन उसको मैं ना सुना करके एक दूसरी कविता सुनाना चाहती हूँ जो कि सैनिक की पत्नी की ओर से है। हमने अभी करवा चौथ मनाई है, वो अपने पति के एहसासों में खोई हुई है, वो भूली हुई है कि उसके पति उसके पास है या नहीं है, बस वो अपने पति को स्मरण करती है और सारे त्योहार मनाती है। ऐसी एक रचना आप तक पहुँचती है, सुनिएगा। स्वागत। ओ मेरे मितवा और मेरे बल, ऐसी कविता नहीं है ये, आप उसके उमंग में शामिल हो जाइए उस सैनिक की पत्नी की। ओ मेरे मितवा और मेरे बलमा, हाँ मेरे बलमा और मेरे मितवा, अब मत मुझको तरसारे, उमड़ घुमड़ कर आ मेरे प्रीतम, प्यार की बारिश बरसा रे। ओ मेरे मितवा ओ मेरे बलमा और मेरे मितवा और मेरे बलमा, अब मत मुझको सारे, उमड़ घुमड़ कर आ मेरे प्रीतम, प्यार की बारिश बरसा रे। ओ मेरे मितवा और मेरे बलमा, होली बीत गई रंगीली, निकल गई ये दिवाली, लेकिन अब तक मुझ बिरहन की रातें हैं काली काली। होली बीत गई रंगीली, निकल गई ये दिवाली, लेकिन अब तक मुझ बिरहन की रातें हैं काली काली। उधर पड़ोसन देख चांद को, करवा चौथ मनाती है, मेरी आंखें तुझ बिन चंदा प्यासी ही रह जाती हैं। राह निहारूं राह निहारूं कब से तेरी, राह निहारूं कब से तेरी, अब तो तन मन हर सारे, उमड़ घुमड़ कर आ मेरे प्रीतम, प्यार की बारिश बरसा रे। ओ मेरे बलमा और मेरे बलमा, हाँ मेरे बलमा और मेरे मितवा, अब मत मुझको तरसा रे, उमड़ घुमड़ कर आ मेरे प्रीतम, प्यार की बारिश बरसा रे। ओ मेरे मितवा। और सावन को हमारे यहाँ प्रेम का प्रतीक मास माना जाता है। मैं उस प्रेम के प्रतीक मास के कुछ कल्पना करके उसकी ओर से आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। हेमा मेरी प्यारी बहन है, सुनो हेमा। सावन की रिम झिम भी तन में आग लगाती है, अम्बुआ पर बैठी कोयलिया गीत ने हका गाती है। सावन की रिम झिम भी तन में आग लगा
लगाती है, अम्बुआ पर बैठी कोयलिया गीत ने हका गाती है। मुए पपी है पियू पियू करके मन में प्यास जगाते हैं, पागल भवरे गुन गुन करते फूलों पर मंडराते हैं। अब तो तू भी आ मेरे साजन, अब तो तू भी आ जा साजन, अब तो तू भी आ मेरे साजन। सूना मरुथल सर सारे उमड़ घुमड़ कर आ मेरे प्रीतम, प्यार की बारिश बरसा रे। ओ मेरे मितवा और मेरे मितवा, ओ मेरे बलमा और मेरे बलमा, अब मत मुझको तरसा रे। उमड़ और अंतिम बंदा आप तक पहुंचाती हूँ। हमारे सनातन धर्म में 16 श्रृंगार का वर्णन किया जाता है और तीन हम लोग हैं, तीन देवियां यहाँ हैं। 16 श्रृंगार का वर्णन आता है और मैं उस 16 श्रृंगार के वर्णन के साथ उसका विरह आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। ओ मेरे मितवा और मेरे बलमा, खन खन चूड़ी खनक खनक बस तेरी याद दिलाती है। रुन झुन बैरन पायल सारी रात जगाती है। बिंदिया मेरी बाट जोहती अब तेरी मुस्काने की, नथनी का मोती झिल मिल भी राह देखता आने की। मुझ में प्रणय सुधारस भर दे, मुझ में प्रणय सुधारस भर के तनिक प्रेम तो दरसा रे। उमड़ घुमड़ कर आ मेरे प्रीतम, प्यार की बारिश बरसा रे। ओ मेरे मितवा और मेरे मितवा, ओ मेरे बलमा और मेरे बलमा, अब मत मुझको तरसा रे। उमड़ घुमड़ कर आ मेरे प्रीतम, प्यार की बारिश बरसा रे। ओ मेरे मितवा और मेरे बलमा। धन्यवाद।